हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल साड़ी, जो कि मीशो से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ साड़ियां हैं जो कि मैंने पर्सनली अपने लिए परचेस की हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करते हैं कि कैसी साड़ी मुझे रिसीव हुई, कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दो साड़ियां हैं जो कि मैंने अपने लिए मंगाई हुई थी। तो सबसे पहले तो एक ये है जो कि काफी ज्यादा प्यारा कलर है और इसके शायद 3 से 4 कलर अवेलेबल है मीशो पे। तो ये कुछ ऐसी साड़ी है, नेट की साड़ी है। ये देखिए कितनी ज्यादा प्यारी साड़ी है। इसका बॉर्डर मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा था, मैंने इसीलिए इसको परचेस किया था। तो इसमें कुछ ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है और पूरी साड़ी में ऐसे ये डिजाइन बना हुआ है। और ये डिजाइन थोड़ा सा डार्क शेड में है, इसलिए है क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो इसी कलर में है। तो कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज दिया हुआ है जो कि आजकल काफी ज्यादा चल भी रहा है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इसका ब्लाउज पसंद आया पर्सनली बताऊं, इसलिए मैंने इसे परचेस किया था। तो ये कुछ ऐसा बॉर्डर है और ये नेट की साड़ी है। और नेट में कौन सा नेट है वो भी बता दे रही हूँ, नायलॉन नेट है ये। इस वजह से ये थोड़ा रफ नहीं है, बिल्कुल चिकना है, काफी ज्यादा चिकना नेट है ये। तो सबसे पहली बात तो अफोर्डेबल रेंज में मुझे चाहिए थी साड़ी, क्योंकि साड़ी सही बताऊं तो मैं तो बिल्कुल वेयर नहीं करती इतना ज्यादा। कोई फंक्शन वगैरह में थोड़ा बहुत कभी पहनती हूँ, सबसे ज्यादा तो पूजा पाठ में ही, अदरवाइज तो सूट ही पहनती हूँ क्योंकि उससे जल्दी से रेडी भी हो जाती हूँ, कैरी करना भी ईजी लगता है। तो साड़ी इतना ज्यादा मैं नहीं वेयर करती, इसलिए मैंने सोचा आपकी ज्यादा मतलब ज्यादा बजट में नहीं लूंगी, ऐसा लूंगी कि अफोर्डेबल रहे, जिसको लेकर के मुझे परेशान नुकसान ना हो, कोई भी परेशान ना हो बाद में कि हाँ यार ये साड़ी रखी रह जा रही है, क्योंकि काफी सारी साड़ियां ऐसे रखी हैं जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, तो बाद में ये सोचना पड़ता है कि क्यों ले लिया। तो ये साड़ी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके शायद 3 या 4 कलर अवेलेबल हैं और सारे बेस्ट हैं। तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी किसे परचेस करूँ, तो फाइनली मैंने इसे लिया और ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी साड़ी, तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आने वाला है इसको पहनने के बाद। तो और इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज इसका सिल्क पैटर्न में है जो कि काफी ज्यादा प्यारा है। ये देखिए, ये इसका बॉर्डर आने वाला है यहाँ पर, जो कि साड़ी के ही लुक का दिया गया है। और कुछ ऐसा ब्लाउज है तो काफी ज्यादा अच्छा ब्लाउज भी मिल जाता है आपको। तो प्राइस की बात कर ले, प्राइस तो मैंने बताया नहीं, 525 रुपीज की ये साड़ी मुझे मिली थी। और अभी शायद आज की डेट की बात करूं तो शायद आउट ऑफ स्टॉक है, फिर से स्टॉक में आ सकती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो स्टॉक में आएगी ही। आप लोग जब भी आए तब ले सकते हैं और कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। तो काफी ज्यादा प्यारी लगी, अंडर 500 हमें और क्या चाहिए। तो मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। और अगर आप लोग मीशो से परचेस कर रहे हैं तो मेरा कोड यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा, इसे यूज करेंगे तो आपको 5 से 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस ये काफी ज्यादा अच्छा लुक लगा मुझे इस साड़ी का, बहुत ज्यादा पसंद आई सही बताऊं तो। तो एक और साड़ी है वो भी दिखाती हूँ, और दोनों ही अंडर 500 है, मतलब मैं ज्यादा बजट में नहीं लेना चाहती थी इस बार साड़ी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ली, वरना मैं ऑफलाइन लेती क्योंकि ऑफलाइन इस रेंज में अच्छी साड़ी मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मीशो को चूज किया, मीशो क्योंकि एक से एक साड़ियां दे देता है कम रेंज में, तो इसलिए मैंने मीशो से लिया। तो ये है मेरी दूसरी साड़ी जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड पे है, मीशो पे इस टाइम काफी ज्यादा दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार इसे ही परचेस करते हैं। तो ये हल्का सा सिल्क में है। अब ये कौन सा सिल्क है ये ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सिल्क कपड़ा है और इसके इसमें टेसल्स भी मिल जाते हैं आपको पल्ले पे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है टेसल्स, कोई भी साड़ी हो तो ये चाहिए होता है। और इसमें काफी सारे कलर अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा कलर हैं और सारे ही यूनिक हैं, एक से बढ़ के एक हैं। तो आप परचेस कर सकते हैं, ये भी 530 या 525 रुपीज की ऐसे ही थी। और ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा जब भी परचेस करिए मीशो से, तो उसमें 50 रुपीज 60 रुपीज ऑफ मिल जाता है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी पहले से ही। तो ये साड़ी देख सकते हैं आप, पूरा लुक इसका काफी ज्यादा प्यारी है। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई।
तो बस यही था कुछ साड़ियों का रिव्यू जो कि मैंने अपने लिए परचेस की। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हेल्प मिलेगी, क्योंकि मीशो पे मैं भी सर्च करती रहती हूँ। बजट के रेंज में मिलना, अच्छी साड़ी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे ढूंढने से। तो मैंने बहुत दिन सर्च किया, 3-4 दिन, तब मुझे मिली। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे भी मैं ऐसी साड़ी लाऊंगी दिवाली और करवा चौथ के लिए, जो कि आने वाले हैं फेस्टिवल। तो अब लाइन से हैं तो हम लोगों को अलग अलग कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।